दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं और इनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। वहीं अजय देवगन की 2013 में आई फिल्म सत्याग्रह भी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है और इस फिल्म में उनके अपोजिट करीना कपूर नजर आई थी। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में करीना ने अजय को किस करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था? नहीं जानते हैं ना, तो चलिए आज हम इस राज से पर्दा उठा ही देते हैं। जैसा कि हर कोई जानता है कि फिल्मों में स्क्रिप्ट की डिमांड के चलते अभिनेता और अभिनेत्री के लिप लॉक के सीन लिए जाते हैं और इनमें से एक फिल्म सत्याग्रह भी है जिनमें ऐसे कुछ सीन्स लिए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म में निर्देशक प्रकाश झा ने करीना को अजय को किस करने को कहा था तो करीना ने साफ साफ किस करने से मना कर दिया और थोड़ी देर बाद करीना कपूर प्रकाश झा को अपनी शादी की वजह बताने लगी और रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त करीना सैफ अली खान से शादी कर चुकी थी, इसलिए वह अजय को किस करने में थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। हालांकि इससे पहले करीना ने फिल्म कमबख्त इश्क में अक्षय के साथ पूरे 10 बार लिप लॉक किया था। गौरतलब है कि करीना ने 16 अक्टूबर 2012 को सैफ से शादी कर ली थी और इसके अलावा बेबो करण जौहर के डायरेक्शन में बन रही मल्टी स्टारर फिल्म तख्त में भी एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई थी। तो दोस्तों आप सभी बेबो यानी कि करीना कपूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।